लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। पार्टी के नेता एक दूसरे पर बयानबाजी करते नहीं चूक रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के रायपुर में भाजपा ने प्रेस वार्ता की, जहां चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक शिव रतन शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कवासी लखमा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, कांग्रेस की मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। कांग्रेस की स्थिति देखकर उसके नेता से उनकी मानसिक स्थिति का चेकअप कराने का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष, जो पूर्व में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रति डिफाल्टर शब्द का उपयोग किया। वहीं बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी ने एक सभा में वहां के युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो तीर धनुष लेकर पुलिस वालों को भगाए, मारे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ते जा रहा है। कभी मन में विचार आता है कि इनके राष्ट्रीय नेतृत्व से इनके प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करें कि भाई अपने नेताओं का एक मेडिकल चेकअप करा लें, इनकी मानसिक स्थिति कैसी है पता चल जाए। पर दुर्भाग्यजनक स्थिति यह है कि जो चरणदास जी और कवासी बोल रहे हैं, वो इनका राष्ट्रीय नेतृत्व भी बोल रहा है।